Hello everyone, welcome to Stepping Success and you are listening to Ghazal Rohila. As you all know, we are preparing for CTET, that is Central Teacher Eligibility Test. और जो सबसे पहले टॉपिक हमने स्टार्ट किया है वो है असेसमेंट एंड इवेल्युएशन और ये उस ही सीरीज का थर्ड जो है वीडियो है. फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी असेसमेंट एंड इवेल्युएशन में डिफरेंस की और मेनली CCE की बात की थी और सेकेंड में हमने पैराडाइम्स ऑफ असेसमेंट जो कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग होता है तो उसकी बात की थी. इस वीडियो में हम बात करेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट की, ठीक है, आकलन के यंत्र एवं तकनीक. तो इसी वीडियो के साथ ये वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा और जैसे कि मैंने आपको बताया था तीन वीडियोस में ये टॉपिक कवर करके फिर इसके ऊपर जो क्वेश्चंस सीटेट में आए हुए हैं या फिर आने की उम्मीद है हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो ये तीनों ही वीडियो आप ध्यान से देखें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो में हम वो क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो आप पहले से ही उनका आंसर्स लगा पाएं. तो स्टार्ट करते हैं. और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. तो सबसे पहले बात करेंगे हम टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट की. तो 6 टूल्स की बात करेंगे यहाँ पे. ये जो है यंत्र हैं जिनको हम बोलते हैं, ये तरीके हैं जिससे हम असेस कर पाएँ, ठीक है, किसी चीज़ का आकलन कर पाएँ. या तो हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ऑब्जर्व करके किसी को असेस कर सकते हैं, चेकलिस्ट बना सकते हैं, पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स एंड सोशियोमेट्री. बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये 6, तो इनको हम आगे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन. तो ऑब्जर्वेशन, जैसे हमें थोड़ा सा नाम से भी आइडिया लग गया होगा, किसी को ऑब्जर्व करना, ठीक है, कोई काम कर रहा है या बच्चे काम कर रहे हैं तो हम उसको जब ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें आएगा वो, ठीक है, किसी को काम करते हुए. तो दो तरीके से हो सकता है ये ऑब्जर्वेशन, ठीक है, दो तरीके हैं हमारे पास. एक तो हम उसका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रखें या फिर नॉन पार्टिसिपेंट, जिसको हम फर्स्ट तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करें, दूसरा होता है इनडायरेक्ट, ठीक है. जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है उसमें तो जो ऑब्जर्वर होता है या टीचर स्टूडेंट हम मान लें तो बच्चों के बीच में ही टीचर बैठ के उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है. और सेकेंड होता है नॉन डायरेक्ट, जो कि होता है या तो हम जो टीचर होता है वो थोड़ा दूर बैठ के या कॉर्नर में बैठ के किसी ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे नहीं देख सकते या वीडियो रिकॉर्डिंग करके या कैमरा से ऑब्जर्व करते हैं. तो दो तरह से होता है, ठीक है, एक तो डायरेक्ट हो गया और एक इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो गया. अब होता क्या है इसमें, तो सबसे पहली चीज़ है वो है कि गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रन इन नेचुरल सेटिंग, ठीक है. तो नेचुरल सेटिंग में ऐसा कुछ पहले को बच्चों को बता नहीं रखा होता कि हाँ आपकी ऑब्जर्वेशन हो रही है, कि वो रेडी होके बैठ जाएं, या फिर टेस्ट में हम उनको पहले से बताते हैं कि हाँ बेटा आपका टेस्ट होने वाले, आप एसेस होने वाले हो. तो ऑब्जर्वेशन होता है नेचुरल सेटिंग में, ठीक है. फिर आता है असेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर. तीनों ही तरीके के जो डेवलपमेंट हैं वो यहाँ से असेस हो सकते हैं, ठीक है, कॉग्निटिव भी माइंड से रिलेटेड, अफेक्टिव जो बच्चे का नेचर है कि वो कैसा है नेचर वाइज, अफेक्शन मतलब अफेक्शन वाइज कैसा है वो. तीसरा है साइकोमोटर, ठीक है, तो वो काम करने में हैंड्स ऑन एक्टिविटीज में कैसा है. तो तीनों ही चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा सकता है. फिर आता है यूज टू असेस इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप्स, ठीक है, एक जने को भी, इंडिविजुअल को भी जो है यहाँ से असेस किया जा सकता है और ग्रुप को भी, पूरे के पूरे ग्रुप को, जैसे हम प्लेग्राउंड में असेस करना चाहें या फिर क्लासरूम में असेस करना चाहें. तो दोनों ही तरीके से इंडिविजुअल को भी और ग्रुप को भी असेस किया जा सकता है. एंड ये चीपेस्ट और बहुत ही अच्छी जो है असेसमेंट करने की टेक्निक है, क्योंकि इसमें इसके लिए कोई हमें चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती कि हाँ जैसे रेटिंग स्केल के लिए पहले हमें रेटिंग स्केल बनाना पड़ेगा और जो है चेकलिस्ट भी बनानी पड़ेगी पहले. तो ऑब्जर्वेशन में ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक पेन पेपर लेके बैठना होता है और इजीली बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हैं आप काम किए हुए, ठीक है. बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि रिक्वायर्स सेंसिटिविटी एंड अनबायस एटीट्यूड, ठीक है. अनबायस की यहाँ पे बात इसीलिए की गई है क्योंकि जो ऑब्जर्वर होता है उसके अंदर जो है बायस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि अगर वो बायस होगा, वो किसी को ऑब्जर्व करने में, मतलब बायस का यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं कि वो एक को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करे और दूसरे को नहीं, तो वो बायस एटीट्यूड हो जाता है. तो वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए. तो यहाँ बड़ी ही सेंसिटिविटी के साथ ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है. तो ये तो बात हो गई हमारी ऑब्जर्वेशन की. फर्स्ट टेक्निक ऑब्जर्वेशन है. दूसरा, नेक्स्ट है हमारी चेकलिस्ट. चेकलिस्ट में हम बात करते हैं
कि सबसे पहले तो चेकलिस्ट होती क्या है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो बच्चे को दे दी जाती हैं, कि जैसे एक स्टेटमेंट हो गई कि आर यू इंटरेस्टेड इन द इन लर्निंग, ठीक है, क्या तुम लर्निंग में इंटरेस्टेड हो, तो बच्चे के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो येस बोलेगा या वो नो बोलेगा कि वो लर्निंग में इंटरेस्टेड ही नहीं है या फिर उसको इंटरेस्ट है लर्निंग में. तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बच्चे से ली जाती है, तो यही है कि यहाँ पे प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बच्चे से ली जाती है उसके बारे में खुद से, ठीक है. तो इसमें मेनली होते हैं येस नो क्वेश्चंस, ठीक है, राइट रॉन्ग वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि या तो वो है या वो नहीं है, ठीक है. तो बच्चे को जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा दिया तो एंड में आपसे उससे पूछें कि आपको इस मतलब जो है क्या मतलब ये चैप्टर समझ आया कि नहीं आया, तो येस और नो में आपको आंसर करेगा. या फिर कोई और चीज़ हो सकती है क्लासरूम में कि आप कहीं कि ये ऑब्जर्व करना है, स्कूल के लिए ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं टीचर की, हाँ सैनिटरी कंडीशन ठीक है कि नहीं है, तो येस और नो, या फिर और भी फैसिलिटीज बच्चे को प्रोवाइडेड है या नहीं है, तो उसके लिए येस नो टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वो चेकलिस्ट हो जाती है. फिर आता है क्विक एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट, तो बहुत ही ईजिली इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि हमें बस ये देखना है कि वो चीज़ है या नहीं है, तो येस नो है, टिक लगाना है अगर वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, तो बहुत ही क्विक एंड ईजी होता है इम्प्लीमेंट के लिए. फिर आता है इट इज़ यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग इंटरेस्ट्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज ऑफ अ स्टूडेंट. तो यहाँ पर वो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वैल्यूज का एक चेकलिस्ट बनाया जा सकता है जो बच्चे को खुद फिल करना हो, कि क्या आप किसी से पेंसिल मांग रहे हैं तो आप उसको देंगे या नहीं देंगे, तो येस और नो आ सकता है. आपसे कोई नोटबुक के लिए हेल्प कर रहे हैं, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं और आपसे किसी ने ये चीज़ के लिए हेल्प ले ली तो आप उसकी हेल्प करेंगे नहीं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस को इवेल्युएट करके उनको असेस करके एंड में आंसर पता लगता है कि हाँ वो बच्चे का इंटरेस्ट कैसा है, वैल्यू एजुकेशन उसके पास कितनी है, ठीक है. तो ये होती है चेकलिस्ट, और एक सैम्पल चेकलिस्ट आपको मैं दिखा देती हूँ तो ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए. तो ये हॉलीडेज़ की चेकलिस्ट जैसे बनाई हुई है कि पासपोर्ट हमने रख लिया कि नहीं, सनस्क्रीन रख ली कि नहीं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम और मनी, मेडिकेशन जो है, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं कि नहीं है. तो ये चेकलिस्ट है, बिल्कुल ही क्विक होती है कि हाँ ये चीज़ें हैं, आ गई हैं हमारे पास, ये नहीं है, तो बिल्कुल एक क्लियर आपके सामने एक पिक्चर इमेज बन जाती है कि हाँ ये चीज़ें हैं ये नहीं है. अब है नेक्स्ट पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो की जब हम बात करते हैं, पहले तो पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो एक सिस्टमैटिक और पर्पजफुल कलेक्शन हम बोल सकते हैं कि बच्चे के काम का कलेक्शन होता है हमारे पास, जो बच्चे के साथ नेक्स्ट क्लास तक या फिर हम कहें स्कूल के बाद भी उस बच्चे के पास रह सकता है, कि उसकी क्या क्या अचीवमेंट है, क्या क्या उसने अच्छी चीज़ें की हैं, उसमें हम उसकी फोटोग्राफ्स क्लिक करके डाल सकते हैं, पीयर असेसमेंट या फिर मतलब उसकी रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं, या फिर उसने कोई मान लीजिए अच्छी पेंटिंग बनाई है, कोई आर्टिस्टिक वर्क किया है, तो वो सारी चीज़ें हम इकट्ठा करके एक पोर्टफोलियो बनाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो उसकी की हुई चीज़ें होती हैं. तो यही हो गया यहाँ पे कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, उस बच्चे के काम का कलेक्शन एक तरह से हो जाता है पोर्टफोलियो, उसको हम बोल देते हैं, ठीक है. दूसरा है सिलेक्शन ऑफ लर्नर्स बेस्ट पीस ऑफ वर्क, ठीक है, अच्छी चीज़ें जो हैं यहाँ पर उनकी बात की जा रही है, ठीक है, जो भी बच्चे के अच्छे अच्छे मतलब जो भी उसके बेस्ट वर्क्स हैं उनको सिलेक्ट करके इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है. मान लीजिए कि कोई उसको प्राइज मिल रहा है, मेडल मिल रहा है, तो उस टाइम पे उसकी फ़ोटो क्लिक करके उस पोर्टफोलियो में डाल दी, या फिर बच्चे को कोई सर्टिफिकेट मिला है, या फिर बच्चे ने कुछ क्या नाम है कोई आर्ट ड्राइंग पेंटिंग बनाई है, तो वो भी उसके अंदर इंक्लूड की जा सकती है. बच्चे के टेस्ट में फुल मार्क्स आए हैं या फिर अच्छे मार्क्स आए हैं, तो वो चीज़ें सारी की सारी उस पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर दी जाती हैं. तो और ये डेमोन्स्ट्रेट करता है एक बच्चे की लर्निंग और प्रोग्रेस को, ठीक है. अब ये सारी चीज़ें उसमें डलेंगी तो वो लर्निंग शो करेगा उसकी कि हाँ बच्चा कैसे कैसे उसका किस तरह से उसकी लर्निंग हो रही है. चाइल्ड बिकम्स एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन लर्निंग. अब बच्चों की अब पोर्टफोलियो बनाया है, बच्चों को मोटिवेशन आएगा कि हाँ मेरा पोर्टफोलियो तो 5-6 ही पेजेस हैं, इसमें कुछ ही कंटेंट्स हैं, और दूसरे बच्चे के पोर्टफोलियो में तो 15-16 कंटेंट्स होंगे, उसकी कलेक्शन इतनी हो गई है, तो बच्चों में मोटिवेशन आएगा और वो और ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट होंगे लर्निंग में, ठीक है. तो ये हो गया पोर्टफोलियो की बात. और पोर्टफोलियो जो है उसके अंदर ये चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं. पोर्टफोलियो कैन इंक्लूड, ठीक है, पोर्टफोलियो में हम फोटोग्राफ्स डाल सकते हैं बच्चे की जो है चीज़ों की, पेंटिंग और पेंटिंग आ सकती है बच्चे की जो कोई आर्टिस्टिक अगर उसने कोई काम किया है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स आ सकती हैं, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, तो ये सारी असेसमेंट शीट्स उसके अंदर डाल सकते हैं पूरा,
ठीक है, पोर्टफोलियो में। तो ये हो गया पोर्टफोलियो के बाद, आगे देखते हैं रेटिंग स्केल। तो जो रेटिंग स्केल होता है वो, यहाँ पर पहले तो देखना पड़ेगा कि रेटिंग स्केल क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने इससे पहले बात की थी चेकलिस्ट की, तो चेकलिस्ट में एक क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो येस और नो में होता है। तो रेटिंग स्केल उससे बेटर होता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने बात की थी कि आपको वो चैप्टर समझ आया कि नहीं, तो मान मे भी उसको वो चैप्टर आधा समझ में आया, कुछ पार्ट समझ में आया हो, पर वहाँ पे इस आंसर को देने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। दो ही ऑप्शन है, या तो समझ आया है या नहीं आया है, तो इसलिए येस और नो में। पर यहाँ रेटिंग स्केल में एक स्केल बना होता है, 1 से लेकर 5 का हो सकता है वो स्केल, की 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 से 5 के स्केल में यहाँ पर उसको नहीं आया वाला होता है और यहाँ पर आया होता है। तो मान लीजिए उसको इतना अच्छा समझ आया कि पूरा पूरा तो समझ नहीं आया, पर उसको 4 पॉइंट तक समझ आ गया, या फिर हम कह सकते हैं उसको 2 पॉइंट तक समझ आया। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि उसको कितना वो चैप्टर अच्छे से समझ आया। तो जरूरी नहीं कि नंबर्स में ही हो, यहाँ पर इसकी जगह पे ये भी हो सकता है कि पुअर हो सकता है, सबसे पहले पुअर हो गया, बीच में एवरेज हो गया, या फिर गुड हो गया, वेरी गुड हो गया, या फिर एक्सीलेंट हो गया, स्टार्टिंग एंड में एक्सीलेंट हो गया। तो 5 रेटिंग स्केल ये भी हो सकते हैं कि पुअरली उसको समझ आया, एवरेज समझ आ गया, या फिर ऐसे इस तरह से हम रेटिंग स्केल बना सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज ये कि रेटिंग स्केल प्रोवाइड्स बेटर इन्फॉर्मेशन देन चेकलिस्ट, ठीक है। ये समझ आ गया क्यों, क्योंकि चेकलिस्ट में येस और नो होता है, या तो आया है उसको या नहीं आया, तो उसके पास और आगे बेटर इन्फॉर्मेशन देने के लिए ऑप्शन नहीं होता। सेकेंड है, इट कैन बी यूज टू रिकॉर्ड द क्वालिटी ऑफ अ स्टूडेंट देन जज द क्वालिटी अगेंस्ट स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, ठीक है। तो रिकॉर्ड किया जाता है उस टाइम पे कि मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस की लिस्ट होती है, उस क्वेश्चंस की लिस्ट में उस रिकॉर्ड कर लिया जाता है और एंड में उसको जज किया जाता है किसी भी स्पेसिफाइड क्राइटेरिया के लिए, ठीक है। अब है क्वालिटीज, इंटरेस्ट, हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स आर मेजर ऑन 3, 5 और 7, ठीक है। मेनली यहाँ जो पॉइंट स्केल होता है वो हमारा ऑड नंबर में होता है, ठीक है। 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया, तो ये ऑड नंबर में होता है, और कंपेरेबल, जो कंपेरेबल डाटा होता है ये। तो एक एग्जांपल है यहाँ पर, उसे आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे ये है, ये यहाँ पे मैंने बताया जैसे 5 पॉइंट में होता है, ये 5 पॉइंट में है, और क्वेश्चन इस तरह से है, अपीयर्स टू एंजॉय इंटरेक्टिंग विद पीयर्स। तो यहाँ पे ये टीचर के लिए बना हो गया कि एक बच्चे को एसेस कर रहा है वो। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बच्चा जो है अपने पीयर के साथ इंटरेक्ट करना जो है एंजॉय कर पा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि वो ऑलवेज ही हमेशा ही एंजॉय करे, जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही एंजॉय नहीं करता, मे बी कुछ टाइम पर वो हो, या फिर काफी ज्यादा एंजॉय करता है। तो इस तरह से ये रेट बना होता है। जैसे एक और देख लेते हैं, जैसे able to get attention from others children। तो जरूरी नहीं हमेशा ही वो अटेंशन मिलती हो, या फिर उसको कभी बिल्कुल नोटिस नहीं किया जाता हो। तो ये रेटिंग स्केल हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बच्चे के बारे में। तो ये हो गया रेटिंग स्केल हमारा। नेक्स्ट इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जो होते हैं, यहाँ पर ये डिफरेंट होते हैं पोर्टफोलियो से। पोर्टफोलियो में तो हम बच्चे की जो अचीवमेंट्स होते हैं, जो अच्छी बातें होती हैं उनकी, वो सारी रिकॉर्ड करते हैं। बट यहाँ पर दोनों ही चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, बच्चे की स्ट्रेंथ्स भी और वीकनेसेस भी, ठीक है। दोनों चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ पे कुछ इंसिडेंट होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा कि हाँ ये भी डालना है वो भी डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इंसिडेंट्स होते हैं स्पेसिफिक, जो कि डाले जाते हैं टाइम के साथ, और फिर बाद में उसको असेस किया जाता है। जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, ठीक है। इवेंट कोई भी घटना हुई कि एक, आज मान लीजिए गेम्स में गए हुए थे हम, और एक बच्चे को चोट लग गई, तो इस बच्चे ने उसकी ऐसे ऐसे इस तरह से मदद की, तो ये एक इवेंट हो गया। कब हुआ, कहाँ हुआ, उसका रिकॉर्ड, और इवेंट हुआ जो भी उस बच्चे ने हेल्प की, और उसके बारे में उस बच्चे की क्या जो है इन्फॉर्मेशन हमने ली, ठीक है, क्या उसको इस तरह से उसको असेस किया। तो ये आएगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, दोनों ही चीज़ों को। जरूरी नहीं है कि उसके अच्छे ही बिहेवियर को हम रिकॉर्ड करें, अगर बच्चे का कोई क्वारलसम बिहेवियर है तो वो भी हम उसमें रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रहता है ये। अब है रिकॉर्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द इवेंट सो दैट एक्यूरेट डिटेल्स कैन बी इंक्लूडेड। तो अगर हम रिकॉर्ड करने के बाद हमने कोई इवेंट देखा, कोई घटना घटी,
और उसके 2 दिन बाद रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसको उतने अच्छे से उतने इफेक्टिव तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो रिकॉर्ड होता है वो एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके हमें उसी को रिकॉर्ड करना होता है। तो एक सैम्पल एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, तो ये आप मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो यहाँ पे जैसे ऑब्जर्वर कौन था, ऑब्जर्वेशन डेट क्या थी और टाइम क्या था, स्टूडेंट का नाम, क्लास एक्शन जो भी है आ जाएगा, और जो है इंसिडेंट है वो क्या हुआ था, लोकेशन, सेटिंग, और उससे क्या जो है नोट्स बनाए गए, उससे क्या उस बच्चे के बारे में मतलब जो है रिकॉर्ड किया गया, क्या उसके बारे में असेस किया गया कैसे उसको। तो ये एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड है। आगे देखते हैं सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री बहुत बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड इसके ऊपर कि ये किसने चलाया है, किसका है ये सोशियोमेट्री। तो इसको इन्वेंट किया था जे एन मोरेनो एंड जेनिंग्स ने, ठीक है, दो लोग थे जे एन मोरेनो एंड जेनिंग। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। उसके बाद है कि ये होता क्या है। सोशियोमेट्री जो होता है बेसिकली ये ग्रुप के मेंबर एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को कैसे देखते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड करता है वो एक ग्रुप में। तो ये उन्हीं पर्सन के बीच में लिया जाता है सोशियोमेट्री जो उसको जानने वाले होते हैं। बेसिकली जैसे मान लीजिए एक क्लास में एक बच्चा है, उसके बारे में हमें उसकी सोशियोमेट्री देखनी है, तो बाकी बच्चों को बोला जाएगा कि इस बच्चे के बारे में अपने व्यूज़ जो है वो दें, ठीक है, कि पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे, जैसे भी व्यूज़ हैं उस बच्चे के बारे में दिए जाएं, पूरी क्लास देगी। जो एंड में उनको रिकॉर्ड किया जाएगा कि इस बच्चे के बारे में कितने नेगेटिव व्यूज़ हैं कितने पॉजिटिव व्यूज़ हैं। तो मतलब एक सोशल स्ट्रक्चर, उसका सोशल रिलेशनशिप कैसी है उस बच्चे के बारे में, तब हम जान सकते हैं। मान लीजिए ज़्यादा पॉजिटिव व्यूज़ हैं तो मतलब नेचर वाइज कह सकते हैं हम कि सोशल में वो अच्छा है सोसाइटी में, उसका क्लासरूम में उसका बिहेवियर। तो इसी तरह से अगर ज़्यादा अच्छे हैं तो 3 चीज़ें उनको बोली जाती, 3 टैग्स दिए जाते हैं। जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं तो स्टार्स उनको बोल दिया जाता है। एवरेज में आ रहे हैं जिनके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ठीक हैं तो वो क्लीक्स में आ जाते हैं। और जिनको किसी ने चूज़ नहीं किया या नेगेटिव रिमार्क्स ज़्यादा हैं या कोई उनको बिल्कुल ही साइड में रख दिया तो वो आते हैं आइसोलेट्स में, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं आगे, टू डिस्कवर वेयर एग्जैक्टली एन इंडिविजुअल एग्जिस्ट इन ग्रुप। तो ये हो गया बात जो मैंने अभी बताई कि एक बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है ग्रुप में। इट एनेबल्स अ टीचर टू गेट अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप की बात आ रही है, वो भी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, ठीक है। इट इन इट ईच मेंबर ऑफ ग्रुप इज आस्क्ड टू चूज फ्रॉम वन फ्रॉम ऑल अदर मेंबर टू एसोसिएट, ठीक है। बाकी सभी मेंबर्स से हर एक मेंबर के बारे में, एक के बारे में नहीं, हर एक के बारे में पूछा जाता है। और एक ये मैट्रिक्स है यहाँ पर, इसके और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे ये जो है चूजर है यहाँ पर, ठीक है, ए और ए टू जी तक बच्चे चूज कर रहे हैं इनमें से, ठीक है। मान लीजिए ए ने चूज किया, हर एक के हाथ में 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव देना था, तो पॉजिटिव बी और डी को दिए गए और नेगेटिव एफ और जी को। ऐसे ही किसने, इसने इन दोनों को पॉजिटिव दिए नेगेटिव दिए, तो एंड में इवेल्युएट किया गया कि पॉजिटिवली चूजन कितने थे। ए को सिर्फ एक ही पॉजिटिव मिला, बी को मिले एक ही पॉजिटिव और 3 नेगेटिव्स हो गए इसके। तो और जैसे डी है, डी को 5 पॉजिटिव और 0 नेगेटिव मिले। मींस उसका जो है जो सोशल में स्ट्रक्चर जो है उसका वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए ये होता है हमारा सोशियोमेट्री चॉइस मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे के बिहेवियर का और हमें ये सब पता लगता है कि कितने डिसलाइक्स और कितने मतलब लाइक्स उसको ग्रुप में, मतलब कितने लोगों द्वारा वो बच्चा पसंद किया जा रहा है। तो मॉनिटर वगैरह चूज करने के लिए भी हम इस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं कई बार। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स थी, आई होप कि आपको पसंद आई हूँ। तो अगर एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए आप बिल्कुल भी गलत ना करें, और अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।